हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी, डिलीशियस और जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी। इससे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ मेजरमेंट्स परफेक्ट रखने हैं, तभी आपका गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिए मावा 500 ग्राम यानी कि आधा केजी, और 200 ग्राम के करीब पनीर, या सभी होममेड है। अगर आप गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट चाहते हैं, बाजार जैसा चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें होममेड ही लेना होगा। तो मैंने 2 लीटर दूध को जला लिया था, तो ये हमारा आधा केजी मावा तैयार है और 200 ग्राम पनीर। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, और इसे में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। मैदा डालने से ना गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता है, बाद में वह हार्ड हो जाता है। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करने हैं, इस तरह से। स्टार्टिंग में आपको यह हल्का सा गीला लगेगा, पर आप इसे इस तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल इसका सॉफ्ट डो लगाना है। इसे हमें हल्के हाथों से मसल मसल कर चिकना कर लेना है, और ये देखिए इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी तरह चिकना हो चुका है। अब हमें चाशनी की तैयारी करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप चीनी और 2 कप पानी। दोनों का जो रेशियो है ना, सेम होना चाहिए। चाशनी में हमें कोई भी तार नहीं चाहिए, और जो गुलाब जामुन का चाशनी होता है ना, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसका जो कंसिस्टेंसी होता है बिल्कुल ऑयल या फिर जो हनी होता है ना, उसके जैसा। ऑयल मतलब कि हमें सरसों तेल का जो कंसिस्टेंसी है वैसा चाहिए। चीनी को हमें अच्छे से उबाल लेना है, अच्छी तरह चीनी जब तक डिजॉल्व ना हो जाए इसे हमें पका लेना है। इसमें डाल देते हैं केसर के धागे, और फ्लेवर के लिए इलायची। इलायची को मैंने कूट लिया है। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो गया है, और हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे हमें गुनगुना रखना है, वार्म रखना है। तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं। अब हमें गुलाब जामुन की तैयारी करनी है, तो इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं इस तरह से। और ध्यान रहे, बॉल्स में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स फ्री होने चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी क्रैक्स रहेंगे तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो हो सकता है फ्राई करते टाइम यह फट जाए। तो इस तरह से हमें चिकना सा गोल तैयार कर लेना है। तो ये हमारे इतने सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। इतने मावा और पनीर से बने हैं कुल 34 गुलाब जामुन, 34 गुलाब जामुन बने हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, पर घी में फ्राई करने से ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो मैंने एक छोटा सा बॉल डालकर देखा था, घी हमारा परफेक्टली गर्म है। ये देखिए धीरे धीरे इसमें कलर भी आने शुरू हो गए हैं, और बाकी सभी बॉल्स को इस तरह से हम डाल देंगे। इसे हम बैचेज में फ्राई करेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हो सकता है आपका गुलाब जामुन एक दूसरे से चिपक जाए। और इस तरह से ऑयल को उछलाते हुए डालना है, ताकि यह इवेनली अच्छी तरह पके। फ्लेम का हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। गुलाब जामुन को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जब तक कि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ऊपर से तो कलर आ जाएगा, पर नीचे से यह कच्चा रह जाएगा। अब हमें इसे गर्मा गर्म ही डालना है चाशनी में, और जो चाशनी का कंसिस्टेंसी है वह वार्म होना चाहिए, मतलब कि गुनगुना होना चाहिए। तो इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, कवर कर देते हैं, और जब तक हमारा गुलाब जामुन तैयार हो रहा है इधर हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे।
बस हमें फ्लेम को ही लो रखना है। अगर आपको लग रहा हो कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं, और जब एक बार तेल का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाए फिर आप गैस को ऑन कर लें। और ये देखिए चाशनी को अच्छी तरह पी लिया है, चाशनी में डूब गया है, और ये हमारा यमी जूसी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये। जो हमने दूसरा बैच तैयार किया है उसे भी डाल देंगे चाशनी में और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये इतने सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया बना है, जूसी जूसी है ये। चाशनी को अच्छे से पी लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। एक बार ट्राई करना तो बनता है, बस आपको मेजरमेंट परफेक्ट रखना है। और आप मैदे की जगह पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें, इससे आपका गुलाब जामुन काफ़ी समय तक लंबे टाइम तक के लिए सॉफ्ट रहेगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। होप्स आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।